नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक चौहान और खबर टुडे में आपका स्वागत है। 26 जनवरी को दिल्ली में जो बवाल हुआ उसका देश भर में विरोध हो रहा है। इस हिंसा को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सभी इसको अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन इस बीच दिल्ली में हुई हिंसा पर अब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल संसद के बजट सत्र शुरू होने के पहले दिन राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कृषि कानूनों को लेकर हो रहे प्रदर्शन और 26 जनवरी को हिंसा पर भी विचार रखे। महामहिम ने 26 जनवरी को हिंसा और तिरंगे के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, लेकिन कानून और नियम का पालन करना भी उतना ही अहम है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में फैले भ्रम पर सरकार का रुख साफ किया। संसद में अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति कहते हैं कि मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे और जो सुविधाएं थीं उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सरकार के पारित इन कृषि कानूनों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है और सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।